नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। हमने कुछ दिन पहले आपके साथ कैलाश पर्वत के बारे में जिक्र किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसका उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग अध्याय भी हैं। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि कैलाश पर्वत समुद्र तल से 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश पर्वत एक पंचकोणीय पिरामिड के आकार का है, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव के 5 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। बहरहाल, ये तो बात की थी हमने आपके साथ कैलाश पर्वत के बारे में। अब आज हम बात करेंगे एक ऐसी झील के बारे में जो कैलाश पर्वत के काफी ज्यादा नजदीक है। इसका भी धार्मिक महत्व कैलाश पर्वत के बराबर ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानसरोवर की 320 किलोमीटर में फैली ये झील समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 90 मीटर ये गहरी भी है। इस मानसरोवर झील का रंग नीला है, मगर सूरज की रोशनी में ये हरी भी दिखती है। आज जहाँ हिमालय है, हजारों साल पहले वहाँ स्थित सागर होता था, सब जानते हैं। संभवतः ये झील उसी सागर का हिस्सा रही होगी। इतने वर्षों में इसका पानी तो मीठा हो गया, मगर आज भी यहाँ ऐसे कई अवशेष मिलते हैं जो सागर से उसका संबंध था उसकी पुष्टि करते लगते हैं। मान्यताओं का एक सिरा इस झील से भी जुड़ता है। जैसे हिंदू धर्म में इसे भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न बताया गया है। मानसरोवर का अर्थ होता है मन का सरोवर। बौद्ध और जैन धर्म में भी इसको पवित्र बताया गया है। इस झील के किनारे 5 बौद्ध मठ हैं, चीव, गोसुल, सरालू, यांगो और ट्रूनो। भारत की 4 सबसे प्रमुख नदियों का स्रोत भी मानसरोवर है। कैलाश के दक्षिण मुख जो मोर जैसा दिखता है, वहां से निकलती है करनाली। कैलाश के पूर्व मुख को कहते हैं अश्वमुख। यहाँ से आंसी नाम के ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र का उद्भव होता है। सतजल निकलती है कैलाश के पश्चिमी छोर से, जिसे हाथी मुख कहा जाता है, और सिंधु या इंडस नदी, जिसके नाम से ही हिंदू शब्द निकलता है, वो निकलती है कैलाश पर्वत के उत्तर से। सिंधु जहाँ से निकलती है उसे सिमुख भी कहा जाता है। कैलाश के पास मानसरोवर के अलावा एक और झील है जो राक्षस ताल या रावण ताल के नाम से भी जाना जाता है। और मजे की बात ये है कि ये राक्षस झील एक खारे पानी की झील है, खारा इतना कि यहाँ कोई मछली नहीं मिलती है। इससे पहले के वीडियो में जब हमने कैलाश पर्वत के बारे में बात की थी, तब हमने आपको बताया था कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। राइनहार्ड मेसेन रस बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले ऐसे शख्स थे। इनके अलावा वो 14 अन्य 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे वाले पहाड़ों पर भी बिना ऑक्सीजन के चढ़ चुके हैं, मगर कैलाश के बारे में मिसर कहते हैं कि इस पर चढ़ाई बहुत मुश्किल है। उनके अनुसार जिसने कैलाश के शिखर पर जीत पा ली, वो लोगों के आत्मा का एक हिस्सा भी जीत लेगा। इसके अलावा एक और दिग्गज पर्वतारोही थे, यू रटलेज ने 1930 के दशक में कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। 2 बार कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं रह पाए। रटलेज बताते हैं कि कैलाश की चोटी पर चढ़ना लगभग असंभव है। इसके पीछे का कारण कई लोग पहाड़ के एंगल को बताते हैं, यानी कि पहाड़ की ढलान बहुत तीखी है। एवरेस्ट में एंगल 45 से 60 के बीच में है, वहीं कैलाश की चढ़ाई 35 डिग्री है। अंतिम बार इसकी चोटी पर चढ़ने का प्रयास साल 2001 में एक स्पेनी जत्थे ने किया था। इसके बाद कैलाश के धार्मिक महत्व के चलते इसका बहुत विरोध हुआ कि क्यों इस पर चढ़ रहे हैं। इसके बाद चीन के सरकार ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगाई। हालांकि लोग आज भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, लेकिन धार्मिक कारणों से कैलाश की यात्रा के दौरान लोग एक परिक्रमा करते हैं जिसे कोरा भी कहते हैं। ये परिक्रमा 53 किलोमीटर की होती है और इसे पूरा करने में यात्रियों को लगभग 3 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा अप्रैल के महीने में एक त्यौहार भी मनाते हैं, इसे सागा दावा कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैलाश जाना हो अगर तो आप कैसे जाएंगे।
तो आपको बता दें कि भारत से कैलाश जाने के दो मुख्य रास्ते हैं, एक उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा और दूसरा सिक्किम का नाथुल दर्रा। सिक्किम के नाथुल दर्रे को थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित रास्ता माना जाता है, इसमें लिपुलेख दर्रा की तुलना में चलना भी कम पड़ता है। यात्रा में उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम राज्य की सरकार सहयोग करती है। इसके साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP कुमाऊं मंडल विकास निगम के MVN और सिक्किम पर्यटन विकास निगम STDDC भी अपनी तरफ से यात्रियों की पूरी सहायता करते हैं। मगर यात्रा से पहले सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि यात्रियों की सेहत कुशल है, क्योंकि दुर्गम रास्ता है, यात्रा में जान का खतरा भी रहता है। ऐसे में यदि पहले से कोई कमजोर या बीमार हुआ तो उसके लिए यात्रा असंभव हो जाएगी। अंततः सरकार ने यात्रियों के लिए उम्र सीमा के साथ कुछ मेडिकल टेस्ट भी अनिवार्य किए हैं। मसलन यात्रा पर जाने की न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम उम्र 70 साल। यात्रियों को BP, डायबिटीज़, अस्थमा या दिल की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यात्रियों का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आवेदनकर्ता के पास पासपोर्ट होना चाहिए। सभी आवेदनों में से लकी ड्रॉ निकलता है, जाने वालों का चयन होता है। आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। चयनित यात्रियों को स्वास्थ्य जांच होती है। इस यात्रा में 25 से 30 दिन लग जाते हैं। भारत सरकार के अलावा कुछ निजी संस्थाएं भी यात्रा का आयोजन कराती हैं। ऐसी ऊंची यात्रा में हाइपोस यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने से बीमारी का खतरा रहता है, इसलिए यदि आप कैलाश जाएं तो अपनी सेहत का ख्याल करके ही जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए India Time 24 News। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।